नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सेफोडिन 250 टेबलेट का रिव्यू करेंगे। तो आप किन किन बीमारी में इस टेबल का उपयोग कर सकते हैं, इस टेबल का डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये 10 टेबल की स्ट्रिप आती है, ये आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट पर मिल जाएगी। MRP की बात करो तो 189.75 रुपये इस टेबलेट की MRP है। और इसमें सॉल्ट मिलाया गया है सेफोरोक्सिन 250 mg, इसमें सॉल्ट मिलाया गया है। और इस दवा को मार्केट करती है ओरियन लाइफ साइंस द्वारा, इस टेबलेट को मार्केट किया जाता है। तो आप किन किन बीमारी में इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक बने रहे, तभी आपको इस टेबलेट की दोस्तों सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते तो जान लेते हैं इस टेबलेट का उपयोग के बारे में। तो आप किन किन बीमारी में इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं, तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक दवा है। ये शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपको यूरिन इन्फेक्शन है, साइनस, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिल्स, गले में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, गोनोरिया का रोग, स्किन इन्फेक्शन, गले में खराश, हड्डियों में इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी को सुखाने के लिए, घाव को सुखाने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो जान लेते हैं इस टेबलेट के डोज के बारे में। तो एडल्ट व्यक्ति को एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना है, या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद इस टेबलेट का उपयोग करें। दोस्तों इस टेबलेट को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि मतली उल्टी होना, पेट में दर्द, दस्त, चक्कर आना, सिर दर्द, खुजली। इस टेबलेट को लेने के बाद वैसे कुछ साइड इफेक्ट नज़र आए तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस टेबलेट में मिला कंटेंट से आपको पहले से कोई एलर्जी है तो आप इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों अगर आप पहले से किसी प्रकार की मेडिसिन या एंटीबायोटिक दवा खा रहे हैं तो इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों आप अपनी मर्जी से इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों डॉक्टर के पर्चे के बिना इस टेबलेट को ना लें। किन किन लोगों को इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना है, तो अगर आपको शुगर है, गुर्दे की बीमारी है, एसिडिटी, पेट में सूजन, आंतों में सूजन है, हृदय रोग, लीवर का रोग, तो आप इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों प्रेगनेंसी महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस टेबलेट को लेने के बाद नींद जैसा महसूस हो सकता है तो आप गाड़ी ना चलाएं और भारी मशीन पर काम ना करें। अल्कोहल के साथ इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।